नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। रोजमर्रा की जिंदगी में बस यात्रियों की यात्रा उनके कार्यशैली का हिस्सा है। सुबह उठकर लाखों यात्री बस से अपने गंतव्य तक पहुंचने का काम करते हैं, जिसमें महिलाएं भी होती हैं। लेकिन अक्सर ऐसी शिकायतें सामने आती रही है कि कुछ मंचलों ने महिलाओं को परेशान करने का काम किया है और निर्भया कांड तो देश से लेकर विदेश की सरकार के मुंह पर रियलिटी चेक था कि जिन महिलाओं की सुरक्षा के दावे सरकार करती आई है, इसमें कितना बड़ा लूप होल अभी भी मौजूद है। हालांकि निर्भया के मामले के बाद ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराध कम हुए हैं। बिहार में भी कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ही बिहार का परिवहन महकमा बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार के सार्वजनिक वाहनों में यात्री सुरक्षा को देखते हुए ही परिवहन मुख्यालय से लाइव ट्रैकिंग का काम होने वाला है। यानी बस और टैक्सी जैसे सार्वजनिक वाहन कब और कहां हैं, इसकी हर पल की जानकारी मिलने वाली है। वाहनों के लोकेशन की लाइव ट्रैकिंग के लिए परिवहन विभाग मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू होने वाला है। इसको लेकर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने उद्घाटन भी कर दिया है। यानी कि अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाइव ट्रैकिंग की शुरुआत की गई है। फिलहाल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। इसके बाद ही अब अन्य शहरों में संचालित सार्वजनिक परिवहन के वाहन में इस सुविधा की शुरुआत होने वाली है। परिवहन मंत्री की माने तो सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में महिलाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसमें सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए लाइव मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की माने तो निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में VLTD और इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है। 1 जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत सभी सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में ये उपकरण लगे आ रहे हैं। इसके साथ ही साल 2019 के पहले पंजीकृत सभी सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में इसे लगाने का काम अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अगस्त 2022 तक प्राइवेट बसों में भी VLTD एवं इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य हो जाएगा। स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए अब स्कूल बसों में भी पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया गया है, जिससे आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों से सफर करने वाली महिला या लड़कियां किसी तरह के खतरे का आभास होने पर इमरजेंसी बटन दबाने की सहूलियत उनके पास होगी। साथ ही इससे कंट्रोल कमांड सेंटर में अलर्ट जाएगा और बिना समय गवाए पुलिस भी मदद के लिए पहुंचेगी। सबसे अहम बात तो ये भी है कि अगर कोई ये सोचे कि वो डिवाइस को नष्ट कर दे तो वो अपनी मनमानी कर सकेगा, तो हम आपको बता दें कि उपकरण के साथ छेड़छाड़ या तोड़े जाने पर भी अलर्ट प्राप्त हो सकेगा। योजना के अनुसार जियो फेसिंग और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन के हर मूवमेंट को मैप पर देखना अब पॉसिबल होगा। इसके साथ ही अब कोई भी चालक अपने वाहन मालिक के नाक के नीचे गाड़ी का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वाहन मालिक भी सॉफ्टवेयर द्वारा अपने वाहनों की स्थिति का पता कर सकते हैं। सबसे खास बात ये भी है कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपराध नियंत्रण के साथ ही ओवर स्पीड को रोकने में भी मदद मिलेगी। बस यदि निर्धारित सीमा से अधिक गति से चलेगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। ऐसे बस चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बस यदि निर्धारित स्पीड से अधिक स्पीड पर चलेगी तो वो पकड़ में आसानी से आ जाएगी और वैसे बस चालकों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि बसों के साथ होने वाले सड़क हादसों में भी कमी आएगी, क्योंकि कई बार अनियंत्रित बसें हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें कई लोगों के जान जाने की खबरें भी सामने आती है। हालांकि अब उम्मीद है कि परिवहन विभाग के इस पहल के बाद बिहार की महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी, साथ ही बस चालक भी अपने मनमानी के हिसाब से बसों का परिचालन नहीं कर पाएंगे। आपके अनुसार परिवहन विभाग की ये पहल सराहनीय है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।